जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह साइंस लर्निंग रिसोर्सेज। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज हमारे सेकंड यूनिट में आया है। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम एक टीचर हैं। टीचर होने के नाते हमें क्लास में जा कर के कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है ये हमें सिखाता है। हमारे उद्देश्यों पर खरा उतरना हमें ये सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्यों को या हमारे हम शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं। ये वेस्ट रिसोर्सेज है जो हमें लर्निंग के वक्त वक्त में बच्चे को सिखाने के वक्त में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है कि इनको हम यूज़ करते हुए चलें, कुछ चीज़ें बच्चा अनजाने में भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर देता है जिससे वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। ये सीखने के लिए भी ज़रूरी है, एक ज्ञान के लिए ज़रूरी है, ज्ञान को आगे तक ले जाने के लिए ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें उस ज्ञान के साथ साथ में अनुभव भी देती है। जैसे जैसे बालक उस चीज़ों से सीखता जाएगा उसके अंदर उन अनुभवों का संकलन होता चला जाएगा। तो देखिए, ये लर्निंग रिसोर्सेस कोई एक आधा नहीं है, बहुत सारे हैं। चार्ट पेपर इसीलिए मैंने इस पर बनाया है, ये फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट देखिए, साइंस लर्निंग रिसोर्सेज साइंस ही को लिखा क्योंकि पर्टिकुलर मैं साइंस टॉपिक के बारे में ही बात करूंगी, चाहे वह केमिस्ट्री बायो मैथ्स ही क्यों ना हो। फिजिक्स में भी हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे या उन टॉपिक्स को हम कैसे आगे लें, जो इसमें चीज़ें आएंगी वो सारा साइंस के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको सबको इंक्लूड करते हुए हमें पढ़ना होगा। अब देखिए, ये है क्या। सबसे पहले देता है ऐसा रिसोर्सेज जो सबके पास होता है, जो स्कूल जाता है या स्कूल नहीं जाता, लेकिन शर्त क्या है कि वो बालक पढ़ने का इच्छुक या जिज्ञासु होना चाहिए। जो बालक जिज्ञासु होगा वही इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए चलेगा, चाहे वो जानबूझ कर करे, अनजाने में करे, मजबूरी में करे या किसी के फोर्स के द्वारा करे। अब देखिए, टेक्स्ट बुक सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वह है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज़ है जो बालक 3 साल का, 2-2.5 साल का होता है तब से वो इन सब चीज़ों को देखते हुए जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। और ये सब चीज़ें जो है टेक्स्ट बुक आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, RBSE, CBSE, प्लेइंग ग्रुप, नर्सरी, कुछ भी। तो जीवनी की तरह भी हो सकती है, कविताओं के रूप में हो सकती है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि वो किसी भी रूप में हम उसको पढ़ते हैं, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और साथ में सिखाते भी हैं। ये टेक्स्ट बुक जो है, पाठ्य पुस्तक बालक के लिए बेहद ज़रूरी है। एक दोस्त के हिसाब से भी कि टेक्स्ट बुक जो है, आपको सबको पता है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो इंसान का सबसे सच्चा मित्र है। तो आप सोच लीजिए कि आपको ये कितना सब कुछ सिखाते हुए चलेगी, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच्चा ज्ञान किससे मिलने वाला है, हमें पाठ्य पुस्तक से मिलने वाला। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसमें किसी भी मोटिवेटर की या फिर किसी भी मॉनिटर की या फिर किसी ट्यूटर की, टीचर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं TLM क्या है। इसका फुल फॉर्म सबको पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है इस तरीके हैं कि इसके 3 हिस्से कर दिए गए, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री मटेरियल्स। अब देखिए, जो ऑडियो है इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें सिर्फ हमें सुनने में आती है उन्हीं सब चीज़ों को हमें इस्तेमाल करते हुए बालकों को कुछ ना कुछ सिखाना होता है, यानी कि हमारे उद्देश्यों पर हमें खरा उतरना है। टॉपिक जो होगा हमें खुद सेलेक्ट करना है, लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक है साइंस में या पाठ्य पुस्तक के अंदर जिसे मैं सिलेबस में या करिकुलम में लेते हुए चलूँ कि मुझे इसका इस मटेरियल का इस्तेमाल करने का ज़रूरत पड़े या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है TLM को यूज़ करते वक्त, एक ही बात कि आपका जो टॉपिक जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें करिकुलम में उठाऊँ और मैं इन ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल एड्स को इस्तेमाल कर सकूँ। अब देखिए, ये है क्या, ऑडियो क्या है। ऑडियो के अंदर आता है ओरल एग्जांपल, मौखिक उदाहरण जो होते हैं वो आप बालक को दीजिए। जो हम डेली में देते हैं पाठ्य पुस्तक पढ़ाते वक्त, कोई भी टॉपिक होता है तो हम उसको पढ़ाते हैं, बालक को मौखिक उदाहरण देते चलते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज देखिए। बालकों को हम नॉर्मल स्टोरी देते हुए भी बताते चले जाते हैं। तो अगर हमारा हाथ किसी भी ज्वाला से, फ्लेम जो होती है वो हमारी हाथ जल जाता है, तो हम बच्चे को एग्जांपल देते हुए सिखाते हैं कि देखिए ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी होती है, कौन सी कैंडल आपने पढ़ी होगी सिक्स क्लास में, तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ब्लैक वाला हिस्सा
किसको आप हाथ लगाएंगे तो हाथ जलेगा, बीच में से उंगली देते हैं तो जलेगी कि नहीं जलेगी। तो हम बालकों को इसमें उसको उदाहरण देते हुए फ्लेम के बारे में भी समझा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि टीचर को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि वो टॉपिक जो है वो किस प्रकार का उठाए और इस टॉपिक को हम सिखा सकते हैं। अब देखिए ऑडियो जो है, फिर आता है ग्रामोफोन। ये बात बहुत ज़रूरी है कि ग्रामोफोन होता क्या है। ग्रामोफोन आपको पता है कि कुछ जो रिकॉर्डिंग्स होती थी जो टीचिंग करवाते थे टीचर्स, वो टीचिंग करवाई हुई कुछ टॉपिक्स पर स्पीच की तरह देते थे और उनको रिकॉर्ड किया जाता था और उनकी एक कैसेट्स तैयार की जाती थी और वो कैसेट्स बच्चों को दी जाती थी। हम डीप में बाद में बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, ग्रामोफोन क्या है, टेप रिकॉर्डर क्या है, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इनके उद्देश्य क्या है, उनको हम कौन कौन से मेथड्स के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक होते ही मैं आपको पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उनमें से इन्हीं क्वेश्चंस को उठाकर मैं बताऊंगी कि देखो क्वेश्चंस लर्निंग रिसोर्सेज में कैसे आते हैं। टेप रिकॉर्डर सेम प्रोसेस सेम थिंकिंग कि ग्रामोफोन जो होता है वो टेप रिकॉर्डर की तरह ही होता है, उसमें भी टेप की जाती है, बट उसमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक प्लेयर के रूप में होता है, बस उसमें भी छोटी छोटी टेप्स होती हैं वो सुनाई जाती है बच्चों को। ये रेडियो है, रेडियो सबको पता है कि ये रेडियो के अंदर पहले बहुत अच्छी आज भी आती हैं जो ज्ञान भरी चीज़ें हैं, विज्ञान के ऊपर जो निबंध है, लोग जो होते हैं वार्ता करते हैं और साथ में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए कि आसपास में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या है, पिछला क्या हुआ, आगे वाला क्या हुआ, तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, क्यों यूज़ किया, मतलब कहने का क्या है, साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं वो उनको रिकॉर्ड करवाते हैं, वार्ताएं होती है, फिर उनको बालकों तक जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर बच्चों को ज्ञान देना है, जो बालक टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ पा रहा है या टेक्स्ट बुक तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो सारी चीज़ें रेडियो ऑन करेगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो चलाएंगे और बालक उससे अटैच होता है। विजुअल बीबी मीन्स ब्लैक बोर्ड, सबसे इजी सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बच्चा देख रहा है, सीख रहा है। मॉडल है जो आप बनाते हैं, ये है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में भी क्या होता है, जो न्यूज़ होती है या कटिंग्स होती है वो लगाई जाती है, बच्चा उनसे भी सीखता है, नॉलेज होता है। फ्लैनल बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड में क्या होता है कि एक बोर्ड की तरह ही होता है बस, लेकिन उस पर भी इंफॉर्मेशन लगाई जाती है, छोटे छोटे कटिंग्स होती है वो लगाई जाती हैं, और लेकिन होता वो पीछे से जो है वो वेलवेट का होता है और बस इसकी बनावट अलग होती है और सारा काम उसका वही है, मेन मोटिव उसका वही है। ग्राफ्स के बारे में सब जानते हैं कि किस तरह के ग्राफ में, मौसम विभाग के बारे में हो, टैक्सेस के बारे में हो, या फिर कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, सब वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी हम बता सकते हैं। मैथ्स में इसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, सबको पता है मीन क्या है, मूड क्या है, मीडियन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हम ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ते हुए आते हैं, उसके अंदर के उतार चढ़ाव को भी पढ़ते हैं। फिर आता है फिल्म स्ट्रिप्स जो होती हैं। फिल्म स्ट्रिप्स क्या होती है, कम से कम एक जो स्ट्रिप होती है वो 25 से 30 mm की होती है, 25 से 30 mm की एक स्ट्रिप होती है, उनको इंफॉर्मेशन होती है, उनमें कुछ पिक्चर्स ऐड की जाती हैं और फिर उसको एक स्ट्रिप को उस रोलर में चलाया जाता है ताकि बालक देख सकें। लेकिन शॉर्ट ये है इसमें कि छोटे बालकों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बड़ों के लिए नहीं। ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ईजी है, ड्रामा है, टीवी है, चलचित्र है, कठपुतली, वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल आप सबसे ज़्यादा बनाते हैं फिजिक्स और मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री पे बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे बन सकता है, बहुत अच्छे अच्छे वर्किंग मॉडल्स इन पर हैं, और यूट्यूब आपको पता है, गूगल जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद, सब कुछ अवेलेबल है उस पर। तो ड्रामा के द्वारा हम बालकों को देख बताते हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है, कठपुतली के द्वारा बताते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको मैसेज मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। टीवी चलचित्र ये सारी चीज़ें वो है जो बच्चा देख करके सुन करके ये सारी चीज़ें कर सकता है। अगली जो क्लास है वो हमारी होगी कम्युनिटी की, रिसोर्सेज की एंड मीडिया की। ये जो हिस्सा है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके आने वाले समय में और आपकी एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको सबको ये ऑलरेडी पता होती है, सिर्फ आपका ये मानकर चलना कि आज की क्लास में सिर्फ पीछे वाली चीज़ों का आपका रिविजन हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले समय में ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपके यूजीसी नेट के हिसाब से ज़रूरी हैं, जो भी आप आगे एमएड करना चाहते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है,
तो ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ाने वाली हैं नेट के लिए, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। हैव अ नाइस।